बीते 5 वर्ष अगर घर गैस बिजली शौचालय ऐसी व्यवस्था कर दिए थे तो आने वाले 5 वर्षों का बड़ा संकल्प हमने घर घर पानी पहुंचाने का किया है। हर घर जल ये पहुंचाने के निश्चय के साथ हम खड़े बेहतर आज और बेहतर कल के लिए हर घर जल इसी भाव को लेकर के हम चले। आपको जानकारी है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत सिर्फ पानी के लिए आने वाले 5 वर्षों में सिर्फ पानी के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3.5 लाख करोड़ कितने जरा बोलोगे आप लोग? कितने कितने कितने? 3.5 लाख करोड़ रुपए। पानी के लिए इतना गंभीर प्रयास भारत के तो क्या विश्व के इतिहास में भी नहीं हुआ होगा। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने 2022 तक हर घर जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, ये संकल्प ऐसे ही नहीं लिया गया, इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार के बीते 5 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। मराठवाड़ा में सूखा और अकाल सदियों से बहुत बड़ी समस्या रही है। पहली बार किसी सरकार ने जल संरक्षण, जल सिंचन, जल संचयन को प्राथमिकता देते हुए सार्थक प्रयास किए। साल से हमारी नदियों का पानी बिना रोक-टोक के अरब सागर में गिर रहा, जबकि मराठवाड़ा यानी यहां पानी के लिए लोग तरस रहे। अब जो गोदावरी को जलयुक्त करने का जो संकल्प महायुति ने किया है उसको पीढ़ियों तक याद किया जाए। इसी तरह मराठवाड़ा में वाटर ग्रिड बनाने की योजना एक बहुत प्रशंसनीय कदम है। इससे अकेले 20 जिले में ही 1000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले। जलयुक्त शिवार के कार्यक्रम में तो सरकार के साथ साथ आप सभी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसके लिए यहां का हर एक नागरिक अभिनंदन का अधिकारी है। आप जैसे साथियों की शक्ति है जिसके भरोसे हर घर तक जल पहुंचाने का बीड़ा हमने उठाया है। भाइयों बहनों, देश के समाज के लिए सिंचाई से लेकर कमाई की चिंता महायुति की सरकार ने की है। सूखे के कारण जब देश के समाज पर आपदा आई तो सरकार ने तत्काल मदद पहुंचाई। आपदा राहत हो या फिर फसल बीमा, हर प्रकार की मदद पहुंचाई गई।